आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्पेशल चना दाल वड़ा, कुरकुरे, चटपटे और बहुत ही मज़ेदार। और स्वाद ऐसा कि आपका देखते ही मन करेगा कि फटाफट बना लो। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये एक कप चने की दाल और ये 2 टेबल स्पून उड़द की दाल। उड़द की दाल डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम इन बड़ों में उड़द की दाल डालें थोड़ी सी, तो इससे बाइंडिंग आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इनको अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लीजिए। 2 घंटे में ये दालें अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो गई हैं। आप इस तरीके से काटें तो ये कट जाएंगी, सॉफ्ट हो गई हैं एकदम से। उड़द की दाल तो बहुत जल्दी भीग जाती है। आप चाहे तो इन दोनों दालों को एक साथ मिलाकर भी भिगो सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग भिगोया है। इन्हें पीसने के लिए ये जार ले लिया। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें कुछ मसाले, 2 हरे मिर्च और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच साबुत सौंफ और 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 2 लौंग बस। अब इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। ये मसाले एकदम दरदरे पीस गए इस तरह के। अब इसमें डालेंगे उड़द की दाल। दालों से पानी बिल्कुल हटा दिया है और ये चने की दाल भी डाल देते हैं और ये 2 टेबल स्पून दाल साबुत बचा ली है। इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। दरदरी दाल पीसकर तैयार कर लिए। इस दाल में पानी बिल्कुल नहीं डालते, तो पीसते समय हमें थोड़ा सा मिक्सी को बार बार चलाना पड़ता है। थोड़ा सा मिक्सर को चलाया, फिर जार का ढक्कन खोला और दाल को चारों ओर से चम्मच से नीचे की ओर दबा दिया, फिर थोड़ा सा चलाया, फिर ढक्कन खोला, फिर दाल को दबाया। इस तरीके से बार बार करते हुए दाल को पीसना होता है। अब पीसी हुई दाल में जो ये साबुत दाल बचाई थी वो भी डाल देंगे, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं। देखिए, जो थोड़ा बहुत पानी दाल से निचुड़ कर प्याले में आ गया है वो हम प्याले में ही छोड़ देंगे। साबुत चना दाल डालने से बड़े में एक खास तरह का कुरकुरापन आ जाता है। अब इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। ये 1/2 पिंच हींग, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेस्टिव भी हो जाते हैं। और ये 15-20 करी पत्ता कटे हुए, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। आप अगर प्याज पसंद करते हैं तो इसमें 1 प्याज बारीक कतर के डाल लें, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। सारे मसाले डल गए। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई। अब बड़े बनाते हैं। तो बड़े बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर इसमें से ले लेंगे और इसको पहले तो बाइंड कर लेंगे लड्डू की तरह से, और अब इसे हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे, किनारों को इस तरीके से ठीक कर लेंगे। ये बड़ा तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे डोसे बड़े बना लेते हैं। सारे बड़े बना लिए। अब आएंगे तलने के प्रोसेस में। इन्हें तलने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था, चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो का टुकड़ा डालते हैं, अच्छे बबल आ रहे हैं। हमें मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। बड़े तलने के लिए डालते हैं और अब इन्हें आराम से 2-3 मिनट तक सिकने देते हैं। और 3 मिनट के बाद इन्हें पलट कर देखते हैं। ये हल्के से ये सिक गए हैं। अब इन्हें अलट पलट कर दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। और ये देखिए कितने गोल्डन दिखने लगे हैं, सिक चुके। निकाल लेते हैं इन्हें, बहुत जल्दी तल जाते हैं ये। बचे हुए बड़े भी तल लेते हैं। इन्हें तलते समय ध्यान रखें फ्लेम मीडियम हाई हो। इन्हें धीमी फ्लेम पर तलेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, और फ्लेम अगर हाई होगी तो ये ऊपर से तो जल्दी से सिक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। ये भी तल के तैयार हो गए और एक बार के बड़े तलने में 6 से 7 मिनट लग जाता है। चने दाल के बड़े बनकर तैयार हैं और देखने में ही आपको लग रहा है ये कितने कुरकुरे बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप मूंगफली दाना नारियल की चटनी के साथ में परोसें, और साथ में अगर आपके पास मीठी चटनी है तो उसके साथ परोसें, बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटो सॉस भी रख सकते हैं, और इन्हें बनाने में तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन दाल को हल्का दरदरा पीसें, उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालें। थोड़ी सी साबुत दाल बचा कर रखें, वो मिला लें। बहुत ही कुरकुरे वड़े बनेंगे। तलते समय ध्यान रखें ऑयल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम
फ्लेम भी मीडियम हाई हो, बहुत ही जल्दी ये तलकर तैयार हो जाते हैं। अब बहुत अच्छे परप्पू बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप शाम को गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए।